Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert truth always exposes darkness. So kaise sab log, I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? तो आज का जो टॉपिक है गाइज, वो इस तरह से है कि आपके जिंदगी में ऐसा क्या है जो बिल्कुल होकर रहेगा, और ऐसा क्या है आपके जिंदगी पर जो अवश्य आपको प्राप्त होगा. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइज. बहुत ही खास रीडिंग है, सो लेट्स सी टिल द एंड. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में क्या होकर रहेगा और क्या वो प्राप्त करके रहेंगे. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में क्या होकर रहेगा और क्या वो प्राप्त जरूर करेंगे. सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द सन डांसर्स. ग्रेट. वी डू हैव द ड्रीम वॉकर. ग्रेट. द वेल वॉचर. द कीपर ऑफ द स्केल्स. ग्रेट. द वाइज वुमन ऑफ वंडरलैंड. द वेव वीवर. यहाँ पे है द फिनिक्स, दैट्स अ ग्रेट कार्ड. बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द रिंग मास्टर ऑफ स्क्रूटिनी. सो यहाँ पे है स्ट्रेंथ की कार्ड लियो. वी डू हैव द वर्ल्ड कार्ड लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स प्रॉपरली. यहाँ पे है हमारे पास चैरिट का कार्ड, दैट इज कैंसर. वी डू हैव जस्टिस, दैट इज लिब्रा. 29 नंबर इज इम्पॉर्टेंट. 11 आप काफ़ी देख सकते हैं. 7 32 23 ठीक है. 9 इस तरह के नंबर्स आप देख सकते हैं, मास्टर नंबर्स. नाउ बेसिकली क्या होके रहेगा और क्या प्राप्त करेंगे. मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि ऐसा कुछ चीज़ जिसमें आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि मेरे साथ जो भी हुआ है आज तक, शायद उसमें इक्वालिटी नहीं हुआ, उसमें पार्शियलिटी हुआ है, उसमें कुछ नेपोटिज्म हुआ है, उसमें कुछ फेयर जजमेंट नहीं हुआ, या वहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स रहा है आपकी ज़िंदगी पर जो आप खुल के बयान नहीं कर पाते हैं कभी भी. और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा गलत असर भी पड़ा है किसी गलत इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी पर. काफ़ी गलत असर पड़ा है. You had been influenced by wrong people, some wrong people in your life. Now, क्या होने वाला है? Obviously, मुझे यहाँ पे दिख रहा है that you are going to enjoy your life, you are going to celebrate your life. जो आपने तजुर्बा कमाया, ठीक है, जो आपने आपका एहसास हुआ, आपकी real life experience हुई, उससे आप, मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक ऐसा पर्सनालिटी में आप तब्दील होने वाले हैं, ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, जहाँ पे उस पर्सनालिटी को लोग ऐसे ही देखते हैं. सो यू आर गोइंग टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, यू कैन से दैट सच अ पर्सनालिटी दैट पीपल एक्चुअली वांट टू बिकम दैट. जनरली लोग ऐसा बनना चाहते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर वो टेलीविजन पे आते हैं, अगर वो मीडिया पे आते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ सिर्फ सेलिब्रिटीज का, येस देर आर ऑल्सो सेलिब्रिटीज, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द फिल्म स्टार्स, बट आई एम टॉकिंग ऑफ सच सेलिब्रिटीज जो जनरली इतने ज़्यादा गुड पर्सनैलिटीज. आई एम नॉट टेलिंग गुड लुकिंग, बट दे आर लाइक दैट. इफ़ यू कम इन कॉन्टैक्ट विद देम, अगर आप उनकी बातें भी 15 मिनट सुन भी लेते हैं ना, सो यू विल बी चेंज्ड, लाइक यू विल बी मॉडिफाइड. लाइक उसी तरह से आपके अंदर वो परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है. पहले शायद आप इतना ऑब्जर्व भी नहीं किया करते थे, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा कीन ऑब्जर्वेशन के कारण आपको बहुत कुछ चीज़ हासिल हो रहा है. जनरली अ रिसर्चर डज दैट, जनरली अ स्टूडेंट हु स्टडीज डू दैट. एक स्टूडेंट को सबसे पहले बात तो है वो उसको जानना है, उसको छानबीन करके ही उसको पढ़ाई करना है. फॉर हायर एजुकेशन आई डू थिंक सो दैट ही विल बी
सिलेक्टेड फॉर अ हायर ग्रेड. सो उस तरह से मुझे दिख रहा है. आपकी ऑनेस्टी, आपकी सिंसियरिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे पीपल आर एक्चुअली अप्रिशिएटिंग अबाउट दैट. ऐसा भी होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा आपने जो भी किया है उसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, आएगा आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी जिसकी आप तलाश कर रहे हो. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप हार बिल्कुल नहीं मानेंगे. ठीक है, जैसे एक फिनिक्स जो है वो पक्षी, जैसे वो अगर जल भी जाता है उसकी रूह जो है फिर से वही बर्ड ट्रांसफॉर्म होके आ जाता है. मतलब दिस बर्ड नेवर डाइज, द सोल नेवर डाइज, द सोल अगेन गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू बॉडी. सो बेसिकली आपके विजन, आपके मिशन काफ़ी क्लियर होंगे, स्ट्रॉन्ग एंड गुड जजमेंट स्किल्स आपका होगा और उसके वजह से आप अपनी जिंदगी में अबंडेंस को मैनिफेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहे हो. नाउ लेट मी गो फॉर द टैरो कार्ड्स. ये सारे साइंस के लिए ही है. ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू ओनली. क्या सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आ रहा है और क्या होके रहेगा आपके साथ. हो सकता है बहुत ज़्यादा ही आप ऐसे लोगों के साथ आपकी उठना बैठना रहे जहाँ पे लोग अलग अलग लेवल्स पर ही बहुत ही जाने जाते हैं, जाने माने पहचानने वाले. सो दे कैन बी वेरी गुड नोन पर्सनैलिटीज, लाइक दे आर लाइक सेलिब्रिटीज, दे आर नोन टू पीपल. उस तरह से देखा द एम्परर, आई टोल्ड यू क्या होकर रहेगा. देखो अभी एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है पेज ऑफ पेरस, एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है और एक स्टूडेंट जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है वहाँ पे जाने के लिए. उस रास्ते से वो जा रहे हैं, उस फ्रेंडशिप को वो स्वीकार कर रहे हैं, सारे जो दरवाजे हैं उसके लिए वो खुल रहा है एंड डेफिनेटली उसका जो तजुर्बा है वो भी बढ़ रहा है. नाउ इट कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड हाउस, अ बंगलो, लाइक अ थिंग दैट इज डेफिनेटली कमिंग टूअर्ड्स यू, जहाँ पे आप ना उस चीज़ को शायद बचपन से ही मैनिफेस्ट करता है, मेरा इस तरह से घर होगा, इस तरह से लोकेशन होगा. भले ही वो एक सिटी में ना हो लेकिन दूर भी हो सकता है, बट होगा, उस तरह से मुझे दिख रहा है. एंड एस ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एस ऑफ स्वर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे टू टू टाइम्स है. ऑलराइट, सो बेसिकली एंड आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट एट ऑफ कप्स इज देयर, फोर ऑफ पेंटिकल्स इज देयर, इलेवन इलेवन तो बहुत ज़्यादा है. सो प्लीज डू क्लेम द रीडिंग बाय इलेवन इलेवन और ट्रिपल फोर. सो यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड. ठीक है, आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट होने भी जा रहे हैं जहाँ पे नियम अनुसार चीज़ें होते हैं. नाउ इट कैन बी अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और इट कैन बी अ प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, बट वो प्राइवेट एक प्राइवेट के जैसा कम और गवर्नमेंट के मतलब जैसे ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल टाटाज, बिलर्स, रिलायंस, दे हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लाइक ठीक है गूगल, दे हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो बेसिकली उसी तरह का चीज़ों में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप इधर आपका एंट्री हो रहा है, आप वहाँ पे सीख रहे हो, आप वहाँ से एक्सपीरियंस गैदर कर रहे हो एंड यू आर लिविंग द ओल्ड स्टोरीज बिहाइंड. पुराना को पीछे छोड़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो एंड फॉर दैट यू आर बिकमिंग द मोस्ट यू कैन से लाइक स्मार्ट डिसीशन मेकर जो आपके पास आएगा कि हमको क्या करना है. मे बी आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हो सकते हैं इन फ्यूचर, जो आप लोग आपके सामने आएंगे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को लेके आप उसको हैंडल करेंगे क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में. मे बी यू विल डू दैट. ठीक है, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है इफ़ यू आर गुड इन सर्जरी, इफ़ यू आर गुड इन लेबोरेटरी थिंग्स, मे बी यू विल डू लाइक आपको सर्जरीज बहुत अच्छा से आता है. सो कोई भी फील्ड पर आप सिलेक्ट करो, आप सर्जन बहुत अच्छा बनेंगे एंड आपके कम्युनिकेशन, आपके राइटिंग पावर, आपकी वॉइस, ठीक है, आपके वॉइस नोट कहीं ना कहीं पे इट विल बी लाइक आपकी वॉइस जो है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गॉड गिफ्टेड टैलेंट है. सो यूटिलाइज दैट वॉइस.
आप उसको इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। झगड़ा नहीं करना है यहाँ पे, आप डिफेंड कर रहे हो अपने आप को। सो ऑब्वियसली अगर कुछ गलत भी हो रहा है सो आप उसको सही कर रहे हो। इन फ्यूचर मे बी यू विल ओन एन एन जी ओ, यू विल ओन एन एन जी ओ और शेल्टर केयर फॉर एनिमल्स जिनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, जिनको बहुत ज़्यादा रास्ते पे फेंक दिया जाता है, या कुछ ऐसे बुजुर्ग लोगों के लिए आप ओपन करने वाले हैं। एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सम चैरिटेबल, यू कैन से दैट ट्रस्ट, ठीक है, दैट पीपल विल डेफिनेटली अप्रोच यू फॉर डोनेशन, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड वो भी करने के लिए हिम्मत चाहिए। सो यू विल बी नोन फॉर योर ब्रेवरी, फॉर योर करेज। हो सकता है आपकी सिलेक्शन हो जाए इन द डिफेंस सेक्टर, कहीं ना कहीं पे इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन, जहाँ पे जनरली लोगों को संभालने के लिए भी मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होता है। सिर्फ शरीर का बल नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो भी ज़रूरत है। सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन टूअर्ड्स यू। लोग आएंगे, लोग आपको समझेंगे कि आप उनके लिए जस्ट यू आर द पर्सन हु कैन सेव देम। आप ऐसे इंसान हैं जो उनको ही सिर्फ बचा सकते हैं और किसी को नहीं। सो इस तरह से मैं देख पा रही हूँ कुछ आपके रेसिडेंस में चेंज होगा। जैसे मैंने आपको कहा, आप उसी जगह पे और रहेंगे नहीं, आपका ट्रांसफ़र, आपका शिफ्ट होगा ही कुछ लोगों के लिए। एंड दैट इज़ व्हाट आई फाउंड। लास्ट में हम इस कार्ड से देख लेते हैं, यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या होकर रहेगा, क्या आकर रहेगा, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। वी डू हैव एनालिसिस, आई टोल्ड यू दैट यू कैन बी अ वेरी गुड, यू कैन से जजमेंट, यू कैन हैव वेरी गुड जजमेंट स्किल्स, जिसके वजह से आप तहकीकात बहुत अच्छे से कर लेंगे। देखा, यहाँ पे स्ट्रेंथ तीन बार आ रहा है, जो ऑपोजिशन हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शेर तो शेर है, वो उसको उतना फर्क नहीं पड़ता है। हैबिटम, देखा, डिसगाइज, आई टोल्ड यू दैट कुछ लोग होंगे जो ठग होंगे, या कुछ लोग ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में आए थे, आपसे बेवफा किए, या कुछ भी इमोशंस का किया, या पैसे का किया, किया तो सही ना, भेज बदल कर किया। सो मे बी दिस इज़ अ क्रोकोडाइल एंड यू आर फीलिंग दैट दिस इज़ अ डियर। सो बेसिकली एक क्रोकोडाइल है। सो मे बी आपको वो पहचानने भी आ जाएगा। यू कैन डू गुड एनालिसिस, दैट इज़ द स्ट्रेंथ इन यू। और जो लोग नहीं कर पाते हैं वही तो फंस जाते हैं, तो आपके लिए तो वही अच्छा है कि आप उसको पहचान रहे हो। यू आर आइडेंटिफाइंग दैट हु इज़ योर एनिमी, आपकी शत्रु कौन है, आप उसको जान रहे हैं। वाइब्रेशंस, गुड वाइब्रेशंस, ठीक है, स्प्रेड एवरीवेयर। जो गुड वाइब्रेशंस होते हैं वही स्प्रेड होते हैं। सो जनरली मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके नेम, आपके रेपुटेशन, आप अपने ही फैमिली में काफ़ी ज़्यादा ही उनके गौरव जो बोला जाता है उनका निशानी आप बन रहे हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। क्लेम दिस रीडिंग बाय 1111 और 444 और 88। थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी। लव यू अ लॉट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।